गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 2, ह्यूमन बॉडी द टिक। अब हमने पूरा टिक का चैप्टर पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके न्यू वर्ड्स मींस हार्ड वर्ड्स हम लर्न करेंगे। फर्स्ट वर्ड वर्ड इज एमर्ज, ई एम ई आर जी ई। एमर्ज मींस पकड़ के रखना, एक दूसरे को मिलके रखना, मिला के रखना, उसको क्या बोलते हैं, एमर्ज। टिकिंग, टी ई ई टी एच आई एन जी, टिकिंग। जब हमारे गम्स और टिक दोनों मिल जाते हैं, दोनों को एमर्ज कर देते हैं, तो क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं टिकिंग। टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई, टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स थोड़े दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए, बाद में वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। टी ई आर एम ए एन ई एन टी, परमानेंट। परमानेंट मीन्स जो चीज हमारे पास हमेशा के लिए होती है, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट। ए टी पी ई ए आर आई एन जी, अपियरिंग। अपियरिंग मीन्स जो हमें चीज दिखाई देती है, जो हमारे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ, एक टीथ होता है मेरे, वो टूट जाता है और उसकी जगह पे दूसरा टीथ आ जाता है, दूसरा टीथ आ जाता है, मतलब वो अपियर कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपियरिंग। आई एन सी आई एस ओ आर एस, एंसिसर, इट इज अ टाइप ऑफ टूथ। सी ए एन आई एन ई एस, कैनियंस, ये भी क्या है, टाइप ऑफ टूथ। फोर टाइप के टूथ है ना, फर्स्ट इज इंसिसर, सेकंड वन इज कैनियंस, योर एट नंबर प्री मोलर्स, पी आर ई एम ओ एल ए आर एस, प्री मोलर्स। नाइन वन इज एम ओ एल ए आर एस, मोलर्स, ये क्या है, ऑल फोर ऑफ टाइप ऑफ टीथ। क्रश, सी आर यू एस एच, किसी चीज को तोड़ना, उसको क्या करते हैं, हम क्रश करते हैं। पी ओ आई एन टी ई डी, पॉइंटेड। पॉइंटेड मतलब जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंटेड होता है, आगे से बहुत तीखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटेड। जी आर आई एन डी, ग्राइंड। ग्राइंड मतलब एकदम बारीक मिश्रण, उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। जैसे मिक्सी में हमें चटनी पीसनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंडर से ग्राइंड करते हैं। सी आर ओ डब्ल्यू एन, क्राउन। टूथ के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज अपर पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। तो क्राउन, सी आर ओ डब्ल्यू एन, क्राउन। फोर्टीन वन इज फॉर्मली, एफ आई आर एम एल वाई, फॉर्मली मीन्स उसको अच्छे से अरेंज करना, मजबूती से पकड़ के रखना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को, फॉर्मली। ई एन ए एम ई एल, इनेबल, ये क्या है, टूथ का फर्स्ट लेयर, उसका नेम क्या है, इनेबल। सेकेंड इज डेंटाइन, डी ई एन टी आई एन ई, डेंटाइन। नेक्स्ट इज पल, पी यू एल पी, पल। पल क्या होता है, सेंटर में जो पार्ट होता है टूथ के, उसको क्या बोलते हैं, पल। ब्लड वेसल्स, बी एल ओ ओ डी, ब्लड वेसल्स, वी ई डबल एस ई एल एस, वेसल्स। ये जो हमारी ब्लड की वेसल्स मीन्स जो नर्व्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। प्लाक, पी एल ए क्यू यू ई, प्लाक। प्लाक क्या होता है, जो हमारे टिक पे जर्म्स का येलोइश लेयर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाक। डीके, डी ई सी ए वाई, डीके। डीके मीन्स दांतों में जो खराबी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डीके। दांतों में या फिर किसी भी चीज में, किसी भी खाने की चीज में खराब हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये फ्रूट क्या हो गया है, डीके हो गया है। कैविटीज, सी ए वी आई टी आई ई एस, कैविटीज। कैविटीज किसको बोलते हैं, आपको पता है, दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं, जो दांतों का नुकसान होता है, उसको बोलते हैं कैविटीज। स्पेस, एस पी ए सी ई, स्पेस।
दांतों के बीच में भी स्पेस होती है या फिर कोई भी जगह, जगह को क्या बोलते हैं? स्पेस। दो चीजों के बीच में जो थोड़ी सी पतली सी जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस। DENTIST, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसको बोलते हैं? जो हमारे दांतों के डॉक्टर होते हैं, टीथ के डॉक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। DAMAGE, डैमेज। डैमेज मीन्स कोई भी चीज का हमारे नुकसान होना, टूट जाना। टीथ भी डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हमारा मोबाइल फोन हमारे हाथ से हिल गया तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो डैमेज हो गया, ये तो टूट गया, थोड़ा सा मुड़ गया, टूट गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? डैमेज। TREATMENT, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है? कोई भी चीज को जो ठीक करने का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। हमारे दांत में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसको डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और उससे क्या लेते हैं? ट्रीटमेंट लेते हैं। ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारे पास चौक है, थोड़ा सा पानी पड़ा है, उसको मैंने अगर पानी के ऊपर थोड़ा चौक रखा, जो दो चार बूंद पानी की है उसके ऊपर मैंने चौक रखा, तो चौक क्या करेगी? उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ओके किड्स, आई होप आपको ये